इटली में अनुष्का विराट ने की शादी। अनुष्का के लिए परफेक्ट वेडिंग रिंग के लिए विराट ने की 3 महीनों तक तलाश। बॉलीवुड और क्रिकेट वर्ल्ड ने दी विरुष्का को बधाई। अनुष्का विराट की शादी के खूबसूरत पल। इटली में हुई फेरी टेल वेडिंग के बाद अनुष्का विराट की शादी की रिसेप्शन पार्टी होगी दिल्ली में, जिसके बाद ये कपल जाएगा हनीमून पर। साथ ही कहां होंगे ये सेटल, फाइंड दैट आउट इन आवर एक्सक्लूसिव स्टोरी। अनुष्का विराट ने इटली में अपने फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में की शादी और दिल्ली में होगा रिसेप्शन। प्लैनेट बॉलीवुड आपको दिखा रहा है अनुष्का विराट के रिसेप्शन का इनविटेशन कार्ड। December 21 को दिल्ली के 7-स्टार होटल में होगा बड़ा जश्न, जहां बॉलीवुड, क्रिकेट और पॉलिटिकल वर्ल्ड की तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। शादी का फंक्शन जितना प्राइवेट था, उतनी ही ग्रैंड होगी रिसेप्शन पार्टी। खबर है कि अनुष्का विराट रिसेप्शन के बाद हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका रवाना होंगे, जहां न्यू ईयर ईव ये खूबसूरत कपल साथ स्पेंड करेगा। वैसे अनुष्का से विराट इतना प्यार करते हैं कि उन्हें कोई तोहफा देने से पहले वो 10 बार सोचते हैं, क्योंकि अनुष्का की खूबसूरती के आगे विराट को लगता है हर तोहफा फीका पड़ जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था वेडिंग रिंग सिलेक्ट करते हुए। 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 महीने तक विराट अनुष्का के लिए थे मोस्ट ब्यूटीफुल वेडिंग रिंग की तलाश में, क्योंकि जिस तरह की पर्टिकुलर रिंग विराट तलाश कर रहे थे, वो उन्हें हजारों रिंग्स देखने के बाद भी पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे में विराट की तलाश खत्म हुई एक रेयर डायमंड रिंग पर, जिसे ऑस्ट्रिया के एस डिजाइनर ने अनुष्का के लिए खास तैयार किया। इस खूबसूरत रिंग की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है और इसका डिजाइन अनइमेजिनेबली ब्यूटीफुल है। रिपोर्टेडली इस रिंग की खासियत ये भी है कि हर बार डिफरेंट एंगल से देखने पर इस रिंग में कई सरप्राइजिंग एलिमेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। इस रिंग के साथ अनुष्का के लिए विराट की फीलिंग्स को समझा जा सकता है। शादी रिसेप्शन और हनीमून के बाद अनुष्का विराट आएंगे मुंबई, जहां वर्ली के अपने ड्रीम हाउस में ये कपल हो जाएंगे शिफ्ट। अनुष्का विराट का लव नेस्ट मुंबई का सी फेसिंग अपार्टमेंट होगा, जहां ये दोनों अपनी लाइफ की जर्नी को साथ में शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। अनुष्का विराट की मुलाकात हुई थी एक शूटिंग सेट पर, जिसके बाद शुरू हुआ था इनके प्यार का हसीन किस्सा। पर इनके प्यार की राह इतनी आसान भी नहीं थी। कई उतार चढ़ाव को पार करते हुए इनका रिश्ता पहुंचा अपने मुकाम पर। December 11, 2017, विराट अनुष्का फाइनली बन गए विरुष्का। लेकिन इस पूरी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई? इनकी लव स्टोरी की गाड़ी पटरी से उतरते उतरते कैसे बची और फाइनली ये कैसे बंधे शादी के बंधन में? चलिए हम आपको बताते हैं। Year 2013, एक शैम्पू एड शूट के सेट पर हुई विराट अनुष्का की मुलाकात और पहली नजर में ही इन्हें एक दूसरे से हो गया प्यार। इस एड शूट के बाद विराट अनुष्का की मुलाकातें छिप छिप कर होने लगी। Year 2014, जनवरी महीने में अपने साउथ अफ्रीका टूर के कम्प्लीशन के बाद विराट अपने घर दिल्ली जाने की बजाय मुंबई अनुष्का शर्मा से मिलने उनके घर पर पहुंच गए और मीडिया में ये पूरी तरह से साफ हो गया कि विराट अनुष्का एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। इसी दौरान विराट के मैचेस के दौरान अनुष्का शर्मा क्रिकेट फील्ड पर जाने लगी।
और मैचेस के दौरान भी इनकी लव स्टोरी की चर्चा खूब होने लगी। विराट का वो फेमस फ्लाइंग किस तो आपको याद ही होगा, जब श्रीलंका के खिलाफ अपनी सेंचुरी के बाद हजारों लोगों के बीच उन्होंने अनुष्का को दिया था। और अनुष्का का ब्लश करता हुआ ये पिक्चर वायरल हो गया था। इसी दौरान कमेंटेटर एंड फॉर्मर क्रिकेटर ने कमेंट्री के दौरान गलती से अनुष्का को विराट की वाइफ तक कह दिया था। खुद विराट ने एक फैशन नाइट के दौरान अनुष्का के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट करते हुए दिया था ये बयान। जो है सबके सामने है अभी, ना तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। ईयर 2015, अनुष्का और विराट के प्यार की गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि विराट के क्रिकेटिंग करियर में आ गया एक बैड पैच। और फिर क्या था, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बातें होने लगी कि विराट के खराब परफॉर्मेंस के लिए अनुष्का जिम्मेदार हैं। ट्रोल्स की इस हरकत पर विराट ने स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करते हुए शेम का ये फेमस ट्वीट किया। लेकिन इतनी नेगेटिविटी का इफेक्ट इनके रिश्ते पर भी पड़ा और खबर आई कि इनका ब्रेकअप हो गया है। प्लैनेट बॉलीवुड ने विराट से एक्सक्लूसिव चैट के दौरान उनके ब्रेकअप पर जब रिएक्शन लिया था तो ये रिएक्शन हर जगह वायरल हो गया था। आई एम नॉट आंसरिंग एनीथिंग अबाउट माय पर्सनल लाइफ, सॉरी, आई एम नॉट हियर टू स्पीक अबाउट दैट। वैसे जैसे ही सबने सोचा कि विरुष्का अलग हो चुके हैं, उसके तुरंत बाद फिर से इन्हें साथ में किया गया स्पॉट और कहा गया कि एक दूसरे से बात करके इन्होंने अपने बीच की प्रॉब्लम को सॉर्ट कर लिया है और इन्हें देखा गया युवराज सिंह की शादी में एक साथ थिरकते हुए। सोर्सेस का कहना था कि विराट अनुष्का के रिलेशनशिप को बचाने में जहीर खान का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जहीर खान ने ही अनुष्का और विराट को सजेस्ट किया कि अगर वो अपने रिश्ते को कन्फेस नहीं करेंगे तो लोग इधर उधर की बातें करते रहेंगे और उनका रिश्ता टूट जाएगा। इसके बाद विराट अनुष्का ने अपने रिश्ते को छिपाना बंद कर दिया और खबर आई कि फैमिली वेकेशन पर देहरादून गए इन दोनों स्टार्स ने एंगेजमेंट कर ली है। लेकिन फिर विराट ने सोशल मीडिया पर आकर सबको जानकारी दी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इन दोनों ने साथ दिखना नहीं छोड़ा और अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करते रहे। हाल ही में अपने दोस्त जहीर खान की शादी में विराट ने अनुष्का के साथ जमकर किया डांस और अब फाइनली साल 2017 में विराट अनुष्का बंध गए हैं शादी के बंधन में। एंड वी विश द लवली कपल अ हेल्दी एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अनुष्का विराट की शादी की न्यूज जैसे ही बाहर आई, सोशल मीडिया पर हर जगह ये न्यूली वेड कपल करने लगा ट्रेंड। ऐसे में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट वर्ल्ड की बड़ी हस्तियों ने विरुष्का को उनकी लाइफ की न्यू इनिंग्स के लिए दिए अपने बेस्ट विशेस। Finally, the most awaited शादी of the year हो ही गई। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की इटली में हुई हश हश वेडिंग के बाद जहां दुनिया भर से इस सेलिब्रिटी कपल को मिल रही हैं बेस्ट विशेस, वहीं सोशल मीडिया पर भी विरुष्का की डेस्टिनेशन वेडिंग की ही चर्चा है। चाहे बात करें विराट और अनुष्का के फ्रेंड्स की या फिर फैंस की, इस ब्यूटिफुल कपल की शादी को लेकर सभी हैं काफी एक्साइटेड। Well, 11th December को साथ फेरे लेने के बाद जब अनुष्का और विराट ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी शादी की न्यूज, तो किंग खान, शाहरुख से लेकर आलिया भट्ट और बिग बी से लेकर दीपिका पादुकोण तक सभी ने अपने अंदाज में कहा इस ब्यूटीफुल कपल को शादी मुबारक। Well, ट्विटर पर मिल रहे ये रिएक्शंस है काफी इंटरेस्टिंग, जहां बिग बी और क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह ने इस कपल को न्यू इनिंग्स के लिए दी है विशेस इन पोलाइट वे। वही शाहरुख ने इन दोनों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जोड़ी को दिया है एक शानदार कॉम्प्लीमेंट। विरुष्का को शादी की बधाई देने के लिए कुछ ने इस कपल के लिए लिखे हैं इमोशनल एंड सिंपल मैसेजेस भी, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन शाहिद आफरीदी के साथ ही बॉलीवुड स्टार्स भी हैं शामिल। हालांकि अनुष्का विराट की शादी पर सोशल मीडिया पर कुछ फनी पोज भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो अब भी लग रहा है कि अनुष्का विराट कर रहे हैं अपने एक ट्रेडिशनल आउटफिट को सेल करने वाले ब्रांड को एंडोर्स।
कुल मिलाकर अनुष्का विराट की ये वेडिंग रही एक स्मॉल फैमिली फंक्शन, जिसमें शामिल हुए थे इस कपल के चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड आपके लिए आगे भी लेकर आएगा इस कपल की वेडिंग और पोस्ट वेडिंग फंक्शन से रिलेटेड एक्सक्लूसिव स्टोरीज। टिल देन वी विश द कपल ऑल द बेस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। यंग टैलेंट के लिए ग्लैमर वर्ल्ड में फर्स्ट एंट्री और खुद को प्रूव करने का फर्स्ट माइलस्टोन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म दे सकता है, और वो है ओवर टाइम्स फ्रेश फेस 2017। अपनी फ्रेश फैक्टर को दिखाने और इस टाइटल को जीतने की चाह में पुणे के कंटेस्टेंट्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पुणे के फ्रेश फैक्टर ने ऑडियंस और जजेस के होश उड़ा दिए। किसी ने दिखाया अपने डांस का कमाल, तो किसी ने मचाया अपनी अदाकारी का धमाल। कोई भी किसी से कम नहीं था। सक्सेस इज नॉट गिवन, इट्स अर्नड ऑन द ट्रैक, ऑन द फील्ड, इन द जिम, विद ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर। Sakshi Khandelwal, 167 centimeters strong girl, standing in front of you, quoting that, ship never sinks because of the water around it. It sinks when the water gets in it. Don't let those people get in you. Be strong, be a woman. As a feeling of happiness is the one that you get when you make someone else happy. Fitness has always been my lifetime motto, and I'm a black belt in martial arts in Taekwondo. Gentlemen, I believe practice like you've never won and perform like you've never lost. Take more chances and dance more dances. Tough college auditions, mall auditions और इस finale event के performance के बाद judges के लिए भी winner choose करना हो गया बहुत मुश्किल। Any reason if you don't get a chance to win tonight, what will you do to them? First of all, I will hug every one of them individually, like they came to like help me and support me, and then we might go for a party. So if I give you an option to invite three people over dinner, who would you invite and your reasons for that? Mahatma Gandhi, Narendra Modi. He is not afraid to take decisions which people were afraid to take. I would like to call, if possible, Michael Jackson. I wanted to know that why he wanted to paint himself white. If the only way that he could win is to change your name, would you actually change your name and win, or not and lose? I am Ishan. I'm not some other person. So this is my identity. I am Ishan Motiwale. So I don't think I'll change my identity to win a contest. I am who I am, and I'm very happy with that. But then, as difficult as it was, they have managed to choose the best. Kiska fresh factor tha damdar, aur kisne jeeta? Oppo Pune Times Fresh Face 2017 ka title. Janne ke liye karna hai bas kal ka intezar. विराट अनुष्का की शादी से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। दिस इज इट फॉर नाउ, वी विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड जूस एंड स्कूप्स। अंटिल देन कीप वॉचिंग जूम, टर्न ऑन।